तुम अपना इंस्टाग्राम खोलो, सर्च बटन दबाओ, तुम्हारे सामने खुल जाएगा ये पेज जिसमें इंडिया की कुछ लड़कियां अपनी हॉट बॉडी दिखाते हुए खड़ी होगी या बैठी होगी। या फिर तुम इंस्टाग्राम का न्यू फीचर रील खोल लो, वहां भी तुम्हें सेम ऐसा ही सीन देखने को मिल जाएगा। अब ये लड़कियां ऐसी पिक्स वीडियो क्यों डाल रही है वो तो मुझे नहीं पता है, ऐसी फोटोज डालने के पीछे उनका इंटेंशन क्या है वो भी मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसी इरोटिक फोटो अपलोड करने के पीछे एक फैक्टर ये जरूर हो सकता है कि उन्हें ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, फेम चाहिए। लेकिन ऐसी फेम और ऐसी पॉपुलैरिटी का वो करेंगी क्या? मान लो इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, अब क्या ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये मिस यूनिवर्स बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर बन जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सब लड़कियां भाग क्यों रही है कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे? एक्चुअल में पता है मैटर क्या है? जो भी लड़कियां ये बोल्ड पिक डालती है ज्यादा लाइक्स पाने के लिए या पॉपुलर होने के लिए, वो इसलिए डालती है क्योंकि उन्हें सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, बिना कुछ काम करे, बिना कुछ मेहनत करे। ये लड़कियां सेलिब्रिटी बनना चाहती है लेकिन बिना कुछ काम करे या मेहनत करे। अब तुम ही सोचो, जब किसी इंसान को अपनी एक बोल्ड फोटो अपलोड कर देने से ही सेलिब्रिटी का दर्जा मिल जा रहा है, पॉपुलरिटी मिल जा रही है, थोड़े बहुत पैसे मिल जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा जिसको अपनी इज्जत प्यारी ना हो वो ये काम कर लेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में फेमस होने का या सेलिब्रिटी बनने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। तुम अगर एक्टर हो तो तुम्हें 2-4 हिट फिल्म्स देनी पड़ेंगी, उसके बाद तुम्हारी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग बनेगी। तुम अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो अगेन तुम्हें टॉप लेवल पर खेलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर लोग तुम्हें जानने लगेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाली लड़कियों का गेम कुछ अलग ही है। इन्हें पता है कि इंस्टाग्राम पर अगर 2-4 हॉट पिक डाल दी तो थर की लोंडे आ ही जाएंगे लाइक्स और फॉलो करने। लेकिन एक बात ये है कि इस तरह से अपनी इरोटिक फोटो डालने से इनके फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन इनकी इज्जत उतनी ही गिर जाएंगी। आज के टाइम में पॉपुलैरिटी गेन करना उतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। आज ट्रेन में समोसे बेचने वाला भी पॉपुलर हो जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट या इज्जत तो वही बंदा कमा सकता है जो एक्चुअल में कुछ काम कर रहा हो अपने कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए। क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो फ्री में नहीं मिलती है, उसे कमाना पड़ता है। तुम भी आज पढ़ाई कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो उसी दिन के लिए कर रहे हो ना, कि एक दिन तुम्हें भी लोग इज्जत देंगे, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करेंगे। जितनी भी लड़कियां इंस्टाग्राम पर आज बोल्ड फोटो अपलोड करती है कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए, ये वही लड़कियां हैं जिनके स्कूल में कभी पासिंग मार्क्स भी नहीं आया करते थे। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें आज से कुछ टाइम पहले तक मोहल्ले का काला कुत्ता भी भाव नहीं देता था। ये लड़कियां ना तो स्पोर्ट्स में अच्छी थी, ना ही पढ़ाई में, ना ही और कोई दूसरी फील्ड में कि जहां ये मेहनत करके कुछ बन सके। एक्चुअली इनसे मेहनत ही नहीं करी जाती, लेकिन इनके ड्रीम थे बड़े बड़े। इनको भी काइली जेनर जैसे पॉपुलर बनना था, फेम पानी थी, और इनको एक शॉर्टकट मिल गया कि इंस्टाग्राम पर बोल्ड फोटो डालो, रातों रात पॉपुलर हो जाओ। लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी कोई काम की नहीं है। और दूसरी बात, चलो इनमें तो थोड़ी दिमाग की कमी है वो तो समझ आता है, लेकिन इनसे बड़े बददिमाग तो वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, इनकी फोटोज में कमेंट करते हैं, इनके डीएम्स में बाबू सोना लिखकर अपना चूतिया कटवाते रहते हैं। ये बोल्ड फोटो अपलोड करने वाली लड़कियां तो अपने लाइफ में फेलियर है ही, लेकिन उनसे बड़े फेलियर तो वो लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, जो रात दिन इनकी चाटते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो है ही कि तुम्हारी भी कहीं ना कहीं इस बात से जलती तो होगी कि तुम भी एक इंसान हो लेकिन तुम्हें तुम्हारे 4 दोस्तों के अलावा कोई जानता पहचानता नहीं है। और फिर एक ये है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनको मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, बस काम करते रहो, रुको मत। क्योंकि आज तुम ये जितने मिलियंस फॉलोवर वाले इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, इनका फ्यूचर ऐसा है कि आज इनके पास सक्सेस है, आज इनके पास पॉपुलैरिटी है, तो कल एक चुटके में खत्म भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि कल इंस्टाग्राम बैन हो जाए इंडिया में, फिर क्या? गई इनकी फैन फॉलोइंग, गया इनका सेलिब्रिटी का दर्जा, गया इनका ब्लू टिक मार्क, सब कुछ पानी में चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग, सेलिब्रिटी वाला दर्जा और पॉपुलैरिटी उनके मरने के बाद भी जिंदा रहेंगी। किसी भी ऐप के रहने नहीं रहने से उनकी पॉपुलैरिटी को फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग वो लोग हैं जो कुछ काम करके पॉपुलर बने हैं, जो मेहनत करके पॉपुलर बने हैं, जो स्ट्रगल हार्ड वर्क करके पॉपुलर बने हैं, लाइक इरफान खान, प्रियंका चोपड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जितने भी लोग आज अपने फेस के दम पर या हॉटनेस के दम पर उछल रहे हैं, इनका पूरा करियर सिर्फ एक ऐप पर डिपेंड है। ऐप
खत्म तो इनका करियर खत्म, इनकी पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग सब खत्म। लेकिन जिन भी बंदों ने कुछ काम करके, मेहनत करके अपनी पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग बनाई है, वो अगर मर भी जाएंगे तो भी लोग उन्हें याद करेंगे। सो मेहनत करो, काम करो और इज्जत कमाना सीखो, क्योंकि पॉपुलर तो पानी पूरी वाला भी हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है, और एक्चुअल सक्सेस या एक्चुअल पॉपुलैरिटी तुम्हें सिर्फ अपने मेहनत की बदौलत कुछ काम करके ही मिल सकती है। सो काम करो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।